पिछले अध्याय में आपको दो तरह से बात करते हैं, एक वाक्य पहले क्या आता है और दूसरा वाक्य होता है वाक्य अंदर किसी आने पर हम बात करके बनाया जाता है। पहले आप देखेंगे वाक्य पहले क्या आने से क्या होता है, उसको भी आप नियम बन गया कैसे लिखेंगे, सहायक क्रिया धन करता धन क्रिया
प्रश्नात्मक चिन्ह, इसमें कर्ता कौन है? चिड़िया। ये बहुवचन है इसलिए क्या की अंग्रेजी डू लगेगी, डू द बर्ड्स। किस माने सोना? स्लीप, एस एल डबल ई पी दिन में, इन द डे। कर्ता बहुवचन था तो क्या कहेंगे जी, क्या लगी? डू। दूसरा उदाहरण, क्या लड़के आकाश में पतंग उड़ाते हैं? लड़के बहुवचन है इसलिए क्या की अंग्रेजी लगेगी, डू, डू द बॉयज, डू द बॉयज फ्लाई, एफ एल वाई फ्लाई ए काइट, के आई टी आकाश में, इन द स्काई। प्रश्नात्मक चिन्ह। अगला उदाहरण, क्या विद्यार्थी मैदान में क्रिकेट खेलते हैं? प्रश्नात्मक चिन्ह। डू, डू क्यों लगा? क्योंकि विद्यार्थी शब्द बहुवचन है इसलिए क्या कहेंगे जी, डू लगेगी। डू द स्टूडेंट्स प्ले, कर्ता के बाद क्रिया, डू द स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, सी आर आई सी के ई टी मैदान में, इन द फील्ड एफ आई ई एल डी। प्रश्नात्मक चिन्ह। क्या खिलाड़ी सुबह सड़क पर दौड़ते हैं? डू द प्लेयर्स रन, आर यू यन, डू द प्लेयर्स रन सड़क पर, ऑन द रोड सुबह, इन द मॉर्निंग। यदि वाक्य में सुबह शाम आता है तो उनके पहले इनका प्रयोग होता है, अगर सुबह है तो इन द मॉर्निंग, और अगर संध्या काल है तो इन द इवनिंग, इन जरूर लगता है। अगला देखें, क्या लड़कियां विद्यालय जाती हैं? लड़कियां बहुवचन है,
तो डू द गर्ल्स गो टू स्कूल, प्रश्नात्मक चिन्ह पहले बताया है कि जहाँ जाया जाता है उसके पहले टू का प्रयोग होता है और जहाँ से आते हैं उसके पहले फ्रॉम का प्रयोग होता है। ये आप समझ गए, यदि वाक्य के पहले क्या आता है तो क्या कहेंगे जी, वाट नहीं लगती है बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू डज में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। कब डू का प्रयोग करते हैं, कब डज का, जब कर्ता बहुवचन होता है तो क्या कहेंगे जी डू लगाते हैं, और जब कर्ता एक वचन होता है तो क्या कहेंगे जी डज लगाते हैं। आप अब चलिए लिखिए होमवर्क। पहला क्या किसान बाजार में फल बेचता है। दूसरा उदाहरण, क्या शिकारी हिरण के पीछे दौड़ता है। क्या बहेलिया सुबह बगीचे में टहलता है। क्या भिखारी प्रतिदिन गांव जाता है। क्या सरिता एक मधुर गीत गाती है। छठवां, क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। क्या दरवान फाटक पर सोता है। क्या चिड़िया वृक्ष पर रहती है। ये आठवां का आपके होमवर्क है, इसको आप चेक करेंगे हल करेंगे घर पर परसों।